50,000 में 2013 की CBR 150 यार, और कितना किलोमीटर चलाई है? यस, अपाचे RTR 180 की तरफ। तो भैया इसका क्या रेट? ये आपका जलपाईगुड़ी नंबर है, 2019 की गाड़ी है, 160 RTR 2013 के मॉडल है ये। आस्किंग प्राइस है मेरा एक्टिवा 4G 2017 की मॉडल है। 2017 की एक्टिवा 4G कितना किलोमीटर चला? 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये माइस्ट्रो एस 2017 के मॉडल है। अच्छा, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है। ये 2018 का मॉडल है, 17,000 किलोमीटर चला हुआ है। 17,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये 2017 की बाइक है, इसकी हम लोग आस्किंग रेट रखे 62,000। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज इतनी गर्मी में हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए गर्मा गर्म स्कूटी और गर्मा गर्म बाइक की, वो भी गर्मा गर्म ऑफर के साथ, कहाँ पे आए हैं? सेकंड हैंड बाइक और स्कूटी की कलेक्शन लेके शीजाज बाइक पॉइंट पे, जो है बनारस में बलका परिमल हिंदी स्कूल के ठीक सामने। और आज इन सारे बाइक्स और स्कूटीज की सारे जानकारी लेने वाले हैं शोरूम के ओनर से। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। और अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी करनी हो तो नीचे आए नंबर से अब इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा, वहां भी चेक कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर, मिलते हैं शोरूम के ओनर से, लेते हैं पूरी जानकारी। चलो, हमारे साथ शोरूम का ओनर अहमद भाई, जिनसे हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस चल रहा है। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है रिफाइनेंस के बारे में। रिफाइनेंस क्या अवेलेबल है आपके यहाँ पे? हाँ, रिफाइनेंस अवेलेबल है, पर वो कुछ ही बाइक में, जो लेटेस्ट मॉडल का बाइक है उसमें से रिफाइनेंस, मतलब पुराने कलेक्शन में आप लोग रिफाइनेंस नहीं करते। और ओनरशिप चेंजेस का जो मसला होता है, क्या आप लोग ही करवा के देते हैं या फिर बायर को पैसा देना पड़ेगा? हाँ, बायर का अगर वो इन्क्लूड उसी हिसाब से अगर प्राइस हम लोग किए, डील वही हिसाब में हुआ कि ऑनरशिप करके देना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग कर देंगे, अदरवाइज वो खुद ही अगर कराएंगे तो हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अच्छा, तो फटाफट से चलते पहली बाइक की तरफ। तो पहली बाइक है यामाहा की R15 वर्जन 1। सामने आ जाओ भाई, अच्छे से दिखाओ। चलो भैया, इसके डिटेल्स बता दो। ये है 2016 की मॉडल, सिलीगुड़ी नंबर। अच्छा, करीबन 30,000-35,000 किलोमीटर हो गए इसके। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है? सेकंड ओनर गाड़ी है। प्राइस कितना रखा है ये? मैं आपका आस्किंग प्राइस है मेरा 55,000 आस्किंग है। और मॉडल कौन सा है, एक ईयर कौन सा है? हाँ, 2016 की हो गया, 2016 की 55,000 आपने प्राइस रखा है इसका। उसके बाद जिन लोगों को CBR की तलाश है उनके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ भी CBR भी है 150R। इसका क्या डिटेल? ये CBR है 2013 की, ये मैं दे दूंगा आपको आपके लिए 50,000 में 2013 की CBR 150 यार, और कितना किलोमीटर चलाई है? ये होगा आपका करीबन 40,000 प्लस किलोमीटर चलाई इसका। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? सेकंड ओनर होगा, ये सेकंड ओनर गाड़ी है। और ये भी क्या ये रिफाइनेंस होगा? ये 2013 का मॉडल, ये नहीं होगा, जो लेटेस्ट मॉडल है वही होगा। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए 1,000 का स्पेशल डिस्काउंट प्लस ऑन द टेबल। आपके चैनल का नाम अगर लेके आए तो हम लोग जितना हो पाएंगे हम लोग डिस्काउंट कर देंगे। जितना हो पाएगा उतना डिस्काउंट तो होगा ही, प्लस 1,000 का कैशबैक भी आपको मिलेगा। उसके बाद आता है TVS अपाचे RTR 180 की तरफ। तो भैया इसका क्या रेट? ये आपका जलपाईगुड़ी नंबर है, 2019 की गाड़ी है। अच्छा, ये मैं आपके चैनल के थ्रू से अगर आया तो मैं लगा दूंगा 65,000 फाइनल प्राइस। 65,000 फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर? हां, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। इसमें लोन भी अवेलेबल है। ये 33,000 किलोमीटर, 33,000 किलोमीटर चला हुआ है, और ये आप रिफाइनेंस कर सकते हैं। और रिफाइनेंस आप लोग कौन कौन सी एरिया के अंदर करते हैं? रिफाइनेंस आपका हमारे एरिया जो है वो जैसे हो गया आपका हमारे आसपास में जो नियर बाय आपका एरिया हो गया, अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, ये सारे एरिया में आप लोग करते हैं। ठीक है भाई, टायर कंडीशन दिखाओ, बॉडी दिखाओ ठीक से, हर एक चीज दिखाओ ठीक से। उसके बाद आते हैं बजाज की पल्सर 150 की तरफ। बजाज की 150 पल्सर 2016 मॉडल। अच्छा, ये मैं आपके लिए लगा दूंगा 48,000 में 2016 की बजाज पल्सर 150 कितना किलोमीटर चला है? ये 25 प्लस होगा,
ये 25,000 किलोमीटर आसपास चला हुआ है, टायर कंडीशन दिखाओ, बॉडी दिखाओ, और ये फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर है? सेकंड ओनर हो गया, ये सेकंड ओनर गाड़ी है। उसके बाद आता है एक और बजाज पल्सर 150 की तरफ। 150 ये है आपका 2012 की 150 ब्लैक कलर, ये मैं आपके चैनल से अगर आया ठीक है ना, आपका नाम लिया तो मैं डाल दूंगा इसे एकदम फाइनल प्राइस 25,000 में दे दूंगा मैं। 25,000 में 2012 की पल्सर 150 कितना किलोमीटर चला है? लगभग लगभग 40,000 क्रॉस होगा इसका। अच्छा 40,000 किलोमीटर चला हुआ है, 40,000 के ऊपर ही है, मतलब लगभग 40,000 है किलोमीटर। 25,000 में बजाज पल्सर 150 2012 के मॉडल। उसके बाद एक और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 आरटीआर 2013 के मॉडल है ये में आपका इसका किलोमीटर होगा 30,000 प्लस होगा ठीक है ना। 30,000 किलोमीटर चला हुआ है लगभग। और फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर है? ये सेकंड ओनर होगा, सेकंड ओनर गाड़ी है। और प्राइस क्या रखा है? मैं आस्किंग प्राइस है मेरा 50,000 आस्किंग प्राइस है, और थोड़ा बहुत नेगोशिएबल इसका हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे सीधा स्कूटी की कलेक्शन की तरफ। जिनको स्कूटी चाहिए अंडर बजट में, उनके लिए ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक एक करके सबकी डिटेल्स लेते हैं। तो भैया इसका क्या डिटेल्स है? ये एक्टिवा 4G 2017 की मॉडल है। 2017 की एक्टिवा 4G कितना किलोमीटर चला है? 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? सेकंड ओनर गाड़ी है, सेकंड ओनर है, लेकिन ये मैं दे दूंगा 38,000 में। 38,000 में आपको एक्टिवा 4G मिल जाएगा। उसके बाद टीवीएस की जुपिटर ये है, जुपिटर क्लासिक 2020 की मॉडल। 2020 की मॉडल है, कितना किलोमीटर ये है? 27,000 के आसपास किलोमीटर चला है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसमें रिफाइनेंस भी अवेलेबल है इस स्कूटी पे, टीवीएस जुपिटर पे रिफाइनेंस भी अवेलेबल होगा। लेकिन प्राइस क्या रखा है ये मैं आपको दे दूंगा 50,000 में। 50,000 में टीवीएस जुपिटर क्लासिक आपका, फाइनेंस करके लेके जाओ। और 20,000 सिर्फ 20,000 में टीवीएस जुपिटर आप ले जा सकते हैं। उसके बाद हीरो की मैस्ट्रो ये है 2015 मॉडल। अच्छा ये मैं दे दूंगा आपको 32,000 में फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस 32,000 में टीवीएस हीरो की मैस्ट्रो 2015 का मॉडल है। और फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी? फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी कितना किलोमीटर चला है लगभग? ये 28,000 किलोमीटर होगा। अच्छा 28,000 किलोमीटर की करीब चला है लगभग। उसके बाद एक और हीरो की मैस्ट्रो एज की तरफ। ये मैस्ट्रो एज 2017 की मॉडल है। अच्छा एकदम वेल मेंटेन गाड़ी है। किलोमीटर इसका होगा आपका 35,000 के आसपास किलोमीटर चला है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका प्राइस आपका 36,000 पड़ेगा एकदम फाइनल। 36,000 प्राइस पड़ेगा इसका। भैया ने फाइनल बता दिया, लेकिन हमारे चैनल की तरफ से आएंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और 1,000 रुपीज का कैशबैक ऑफर भी आपको मिलेगा, ये हर कोई नहीं देता बॉस। उसके बाद डेस्टिनी 125 2019 की गाड़ी, जलपाईगुड़ी नंबर। इसका किलोमीटर होगा आपका 26,000 किलोमीटर रनिंग। अच्छा ये मैं आपके अगर चैनल से माध्यम से आया तो मैं इसे लगा दूंगा 44,000 19 की गाड़ी 44,000 में आपको मिल जाएगा हीरो डेस्टिनी 125। कितना किलोमीटर चला है लगभग? 24-25 किलोमीटर। 24-25,000 किलोमीटर के आसपास ये चला हुआ है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी है ये? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है ठीक है। और इसमें रिफाइनेंस हो जाएगा? हाँ इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा, इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक और हीरो की मैस्ट्रो एज की तरफ। ये भी 2017 की मॉडल है। हाँ। ब्लू कलर आपका अलीपुर आरटीओ ठीक है ना। इसका प्राइस आएगा आपका 35,000 में हीरो मैस्ट्रो एज। और किलोमीटर कितना चला है? किलोमीटर इसका 45,000 के आसपास किलोमीटर चला है। फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है ये भी। फर्स्ट ओनर है। उसके बाद एक और हीरो की मैस्ट्रो एज की तरफ। यहाँ पे ज्यादातर हीरो के मैस्ट्रो एज ही आपको मिलेगा। इसका 2018 के गाड़ी है। अच्छा ये वेल मेंटेन गाड़ी है, लेडीज यूज गाड़ी। अच्छा ये किलोमीटर है सिर्फ 23,000 किलोमीटर। 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। 38,000 में आपको हीरो मैस्ट्रो एज मिल जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से आए हो तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसमें 2,000 का डिस्काउंट कर दूंगा मैं इस स्कूटी पे। 2,000 का, पहले तक 1,000 का, लेकिन अभी बढ़ रहा है, 2,000 तक आ गया है। एक और हीरो मैस्ट्रो एज हमारे यहाँ पे रेड कलर में, तो इसका क्या डिटेल्स है? रेड कलर के मैस्ट्रो ये भी 2016 का ही है मॉडल। हाँ ये भी अच्छा गाड़ी है। ये मैं आपके आपके लिए मैं लगा दूंगा 32,000 में 2016 का मैस्ट्रो एज। और ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। किलोमीटर कितना चला है? किलोमीटर ये होगा आपका
52,000 होगा, 52,000 किलोमीटर चला हुआ है। और टायर कंडीशन भाई बॉडी भी ठीक से दिखाओ, थोड़ा बहुत दिखा दो। और उसके बाद यामा की फैसिनो ये है आपका 2016 की गाड़ी। अच्छा, ये मैं ये किलोमीटर है आपका, देख लेता हूँ कितना चला है। 13,000 ओनली, 13,000 किलोमीटर चला हुआ है यामा फैसिनो, मेंटेन बढ़िया किया है। और प्राइस पड़ेगा आपका 28,000 में। और ये मॉडल 16 की मॉडल, फर्स्ट ओनर। हाँ, फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर है। और उसके बाद स्कूटी सेक्शन में लास्ट जो है जुपिटर ZX मॉडल है। हाँ, टॉप मॉडल है ये। और इसका क्या डिटेल? जुपिटर 2016 का मॉडल है ये। अच्छा, किलोमीटर 20,000 प्लस होगा किलोमीटर रनिंग। और आपका इसका प्राइस पड़ेगा ओनली 25,000 में जुपिटर 16 की जुपिटर ZX आपका। और इसमें भी आपको 2000 का कैशबैक, भैया 1000 का, चलो 1000 का कैशबैक आपको मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत प्राइसिंग में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है जिनको 350 क्लासिक की तलाश है, रॉयल एनफील्ड की जो फैन है उनके लिए रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। इसका क्या डिटेल्स है भैया? ये 2018 का मॉडल है, वेल मेंटेन गाड़ी है। हाँ, इसमें आपको अवेलेबल वगैरह, दिखाओ टायर, दिखाओ एक्सेसरीज वगैरह सब अपडेट लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका प्राइस आएगा, इसके किलोमीटर में बोल देता हूँ आपको, 17,000 किलोमीटर चला हुआ है। 17,000 किलोमीटर चला हुआ है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, फर्स्ट ओनर है। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? पड़ेगा 1,30,000। 1,30,000। और मॉडल कितना पड़ रहा है आपने? मॉडल 2018 का, 2018 का 1,30,000। फाइनेंस भी हो जाएगा। और अगर कोई फाइनेंस करवाना चाहे तो कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट 70,000 लेके आओ, 70,000 लेके आओ, और बाकी 60,000 का डाउन पेमेंट आप फ्री फाइनेंस आप करके बाइक लेके जाओ। उसके बाद चलते हैं इस सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे यामा की FZS, इसका क्या डिटेल्स है भैया? यामा की FZ 2017 मॉडल है, 2017 की फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर गाड़ी। कितना किलोमीटर चला है? किलोमीटर इसका 30,000 होगा, 30,000 के आसपास किलोमीटर चला हुआ है। और प्राइस क्या रखा है आपने? ये पड़ेगा आपका 52,000 ओनली, 52,000 ओनली। और ये प्राइस नेगोशिएबल है और रिफाइनेंस हो जाएगा इसमें? हाँ, कोशिश करेंगे हम, कोशिश करेंगे। ये 17 की गाड़ी है तो कोशिश हो जाएगा। उसके बाद जिनको NS की तलाश है उनके लिए पल्सर NS 200, पल्सर 200 NS 2019 की गाड़ी है ये। अच्छा, रिफाइनेंस अवेलेबल है। हाँ, 32,000 किलोमीटर होगा इसका, 32,000 किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डुअल की के साथ, डुअल की बोथ की है आपके पास। और प्राइस कितना रखा है आपने? अगर नेगोशिएबल नहीं करूंगा हाँ, तो मैं ये 70,000 में दे दूंगा। 19 की गाड़ी, दोनों चाबी अवेलेबल है भाई। टायर कंडीशन दिखाओ, बॉडी दिखाओ ठीक से, 70,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नेगोशिएबल नहीं होगा, अगर नेगोशिएबल करेंगे तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ेगा, है ना भैया? अच्छा ठीक है। और ये रिफाइनेंस होगा, 1,000 का कैशबैक तो रहेगा ही रहेगा, भैया ने बता दिया वो रहेगा। इसमें रिफाइनेंस हो जाएगा, हाँ रिफाइनेंस अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद एक और बजाज पल्सर NS 160 हमारे पास, 160 ये भी 2019 का मॉडल है। अच्छा, इसका किलोमीटर 25,000 किलोमीटर रनिंग है, इसमें भी फाइनेंस अवेलेबल है। अच्छा, इसका प्राइस पड़ेगा ओनली 65,000, 65,000 में NS 160। और किलोमीटर कितना बताया आपने? 25,000 किलोमीटर चला है। तो अगली बाइक है हमारे पास हीरो की ग्लैमर, तो इसका क्या डिटेल्स है भैया? ग्लैमर 2020 का मॉडल है। हाँ, ये 22,000 किलोमीटर ओनली रिमेंड है, 22,000 किलोमीटर चला हुआ 2020 का मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फाइनेंस भी अवेलेबल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना प्राइस रखा है ये? 62,000 ओनली, 62,000 अस्किंग प्राइस है। इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा और रिफाइनेंस भी हो जाएगा। अगर कोई ग्लैमर में रिफाइनेंस करवाना चाहे तो आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 25,000 से 26,000 लेके आओ, ग्लैमर लेके जाओ, मतलब 25,000 रुपए लेके आओ, आप ग्लैमर लेके जाओ घर पे। उसके बाद सुजुकी की जिक्सर, सुजुकी जिक्सर 2018 का मॉडल है। आपका किलोमीटर 30,000 किलोमीटर है रनिंग, ओनली 52,000 में 2018 का जिक्सर आपका। और फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, बोथ की अवेलेबल, दोनों की है साथ, दोनों की है बाइक के साथ, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। उसके बाद होंडा की हॉर्नेट 2017 की मॉडल है। 45,000 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी, 45,000 किलोमीटर चला हुआ 2017 की, 17 की मॉडल, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ओनली 45,000 में आपको होंडा की हॉर्नेट 2017 की। और कितना किलोमीटर चला है लगभग?
40,000 किलोमीटर चला हुआ, 40,000 किलोमीटर चला हुआ 17 की हॉर्नेट आपका। उसके बाद जिनको हीरो की सुपर स्प्लेंडर की तलाश है उनके लिए सुपर स्प्लेंडर यहाँ पे, इसका क्या डिटेल्स? सुपर 2018 का मॉडल है, 28,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक। ये इसके प्राइस आस्किंग प्राइस हम रखे हैं 55,000 में 18 की सुपर स्प्लेंडर आपका, और ये प्राइस नेगोशिएबल है। फर्स्ट ओनर है ये कि सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है और ये प्राइस नेगोशिएबल है। जो लोग होली बाना चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट तो है ही, उसके अलावा 1,000 का कैशबैक भी है, इसीलिए कहते हैं कि भाई बढ़िया ऑफर चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद एक और होंडा की हॉर्नेट, होंडा की हॉर्नेट 2018 मॉडल, 33,000 किलोमीटर रनिंग किया चला हुआ है गाड़ी। इसके मेरा आस्किंग प्राइस है 55,000 ओनली, 55,000 में होंडा 2018 की हॉर्नेट। और फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और इसमें रिफाइनेंस हो जाएगा? हाँ, कोशिश करेंगे इसमें होने का। लेटेस्ट मॉडल में ही, मतलब 2020 के बाद का जो मॉडल है 21, 22, 23, 24, इन मॉडल में ही आप लोग रिफाइनेंस करते हैं। जी जी, ठीक है। उसके बाद बजाज की पल्सर, पल्सर ए 2015 की मॉडल है ये। इसमें फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसका आस्किंग प्राइस है ओनली 45,000। 45,000 2015 की पल्सर एएस एडवेंचर स्पोर्ट, कितना किलोमीटर चला है लगभग ये आपका? 44,000 किलोमीटर, 44,000 के आसपास किलोमीटर चला है। और ये प्राइस नेगोशिएबल है थोड़ा? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत होगा। कितना प्राइस बताया आपने? 45,000 ओनली। उसके बाद एक और हीरो की इग्नाइट, इग्नाइटर दिखा दो भाई, इग्नाइट, इसका क्या डिटेल्स है? ये 2015 की गाड़ी है। हाँ, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, इसके प्राइस हम लोग आस्किंग रेट बड़े रखे हैं ओनली 30,000। 30,000 में 2015 की हीरो इग्नाइट, फर्स्ट ओनर है ये? हाँ, फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ओनर है। और ये प्राइस नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत? थोड़ा वो भी आपके चैनल का नाम लिया तो ही नेगोशिएबल है। इसलिए कहते हैं कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसी जबरदस्त डील लेके आते रहते हैं। और उसके बाद एक और हीरो एक्सट्रीम, हीरो होंडा एक्सट्रीम, हीरो होंडा एक्सट्रीम, ये 2015 की मॉडल है। इसके किलोमीटर आपका 40,000 प्लस होंगे और इसका प्राइस हम लोग रखे हैं आपका ओनली 35,000 में होंडा एक्सट्रीम। और ये फर्स्ट ओनर की सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर है वो भी, फर्स्ट ओनर, वो भी फर्स्ट ओनर है। और इग्नाइट का प्राइस कितना रखा है आपने बोला? 30,000 ओनली। तो भाई कलेक्शन सिर्फ यही तक नहीं है, और भी कई सारे बाइक्स अभी भी अवेलेबल है, वो दिखाते हैं आपको। जल्दी से आओ इस तरफ, यहाँ पे और भी धासू कलेक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, इसका क्या डिटेल? 350 क्लासिक 2014 मॉडल, 47,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक। अच्छा, की सेकंड ओनर है ये? सेकंड ओनर बाइक है, सेकंड ओनर है 2014 की। और कितना किलोमीटर चला है लगभग? 47,000। आस्किंग कितना रखा है? आस्किंग प्राइस है 85,000, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। और क्या उसमें रिफाइनेंस हो जाएगा? ना, इसमें नहीं होगा। 2014 की मॉडल है तो रिफाइनेंस नहीं होगा, कैश में ही डील होगा ये, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएबल होगा। और हमारे चैनल की तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डिस्काउंट, आपसे आएंगे तो मैं इसे 80,000 में दे दूंगा। बस 80,000 में मिल जाएगा और 1,000 का डिस्काउंट भाई कैशबैक। उसके बाद टीवीएस की अपाचे आरटीआर 160, क्या 160, ये 2018 के मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला है? चला हुआ आपका 30,000 किलोमीटर चला हुआ, लगभग 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। और आस्किंग कितना रखा है? 68,000 आस्किंग है। इसमें रिफाइनेंस होगा? इसमें रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद एक और यामा की FZS, यामा FZS आपका 18 का मॉडल है। अच्छा, 45,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, 45,000 के आसपास किलोमीटर चला है, 18 की मॉडल है, सेकंड ओनर है ये। और प्राइस कितना रखा है? 65,000 आस्किंग प्राइस है। इसमें नेगोशिएबल, मतलब थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा इसमें। उसके बाद एक और यामा की FZS, यामा की FZ वर्जन 3, क्या डिटेल्स है? 2020 का मॉडल है ये गाड़ी। हाँ, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फाइनेंस अवेलेबल। अच्छा, ओनली 75,000, ओनली 75,000 प्राइस रखा है। 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, कितना किलोमीटर चला है ये? आपका 45,000 किलोमीटर चला हुआ, 45,000 के आसपास किलोमीटर चला है 2020 की FZS। उसके बाद बजाज की पल्सर 125, क्या डिमांडेड बाइक है ये? हाँ, 125, जिसको माइलेज का फिकर रहता है,
जिनको माइलेज भी चाहिए और लुक भी चाहिए उनके लिए पल्सर 125 बढ़िया ऑप्शन है। टायर कंडीशन दिखाओ यहाँ पे, बिल्कुल ब्रांड न्यू लगभग टायर कंडीशन है और बॉडी भी लगभग स्क्रैचलेस है। क्या डिटेल्स है? 2020 की है ये गाड़ी, 20 की मॉडल है। कितना किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर चला हुआ। 20,000 किलोमीटर चला हुआ। फाइनेंस अवेलेबल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फाइनेंस अवेलेबल। हां फाइनेंस भी अवेलेबल है। हां इसका हम लोग आस्किंग प्राइस रखे हैं ओनली 73,000। 73,000 में 2020 की सिर्फ 20,000 किलोमीटर चला हुआ है पल्सर 125, रिफाइनेंस अवेलेबल है इसमें। और अगर कोई इसमें रिफाइनेंस करवाना चाहे तो कितना देना पड़ेगा? करीबन 32,000 लेके आओ, लगभग 32,000 से 35,000 लेके आओ और ये पल्सर 125 आपकी। उसके बाद TVS Apache RTR 160 only 20,000 रनिंग हुआ है बाइक का, ओनली 20,000। मॉडल कितना है? मॉडल 22 का गाड़ी है, 22 का गाड़ी है। डबल चाबी अवेलेबल। अच्छा, फर्स्ट ओनर की सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर है। प्राइस कितना रखा है? ये आस्किंग प्राइस है 1,00,000, 1,00,000 आस्किंग है, इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। टायर कंडीशन, बॉडी कंडीशन लगभग स्क्रैचलेस है, बिल्कुल टायर भी ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है लगभग, और इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा प्राइस थोड़ा बहुत हो जाएगा 1,00,000। किलोमीटर कितना चला इसका? 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर इसका भी चला हुआ है। और उसके बाद एक और TVS की अपाचे आरटीआर 4B, 2018 की 4B है। किलोमीटर इसका आपका 33,000 किलोमीटर चला है। आरटीआर 160 है, 2018 की मॉडल है। फर्स्ट ओनर की सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसमें भी फाइनेंस अवेलेबल है। कितना प्राइस रखा है हमने? इसका प्राइस रखे हम ओनली 75,000, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होगा। ओनली 75,000 में TVS Apache RTR 164B, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है, और हमारे चैनल से जो लोग आएंगे उनके लिए डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद जिनको R15 की तलाश है उनके लिए R15 वर्जन 2, वर्जन 2 ये आपका 2013 की मॉडल है, वर्जन 2। अच्छा, 2013 की वर्जन 2 R15, और कितना किलोमीटर चला ये? ये चला हुआ आपका 57,000 रनिंग है इसका, 57,000। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी? ये सेकंड ओनर गाड़ी है, ये सेकंड ओनर गाड़ी है। और प्राइस कितना रखा है हमने? ओनली 55,000, ओनली 55,000। इसमें आपको रिफाइनेंस नहीं होगा, कैश में ही डील होगा और थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद TVS की अपाचे RTR 204B, 204B ये 2017 की मॉडल बाइक है। हाँ, अपाचे RTR 204B, किलोमीटर इसका 25,000 किलोमीटर रनिंग है, 25,000 किलोमीटर चला हुआ है। प्राइस कितना रखा है आपने? इसके प्राइस हम लोग रखे हैं 66,000 प्राइस रखा है। फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ओनर, और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आज की आखिरी बाइक की तरफ, जिनको क्रूजर की तलाश है उनके लिए बजाज एवेंजर 220 क्रूज यहाँ पे अवेलेबल है। इसका क्या डिटेल्स है भैया? ये 2017 की बाइक है। हाँ, 220 क्रूज एवेंजर। अच्छा, इसका किलोमीटर आपका 35,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, 35,000 किलोमीटर चला हुआ है। 2017 का मॉडल, 17 का मॉडल है, 2017 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर की सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये भी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? इसके हम लोग आस्किंग रेट रखे 62,000 आस्किंग है। 2017 की फर्स्ट ओनर एवेंजर 220 क्रूज, कंडीशन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही है, कंडीशन लगभग वेल कंडीशन ही है यहाँ पे। और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, लेकिन 2017 के मॉडल में आपको रिफाइनेंस नहीं मिलेगा। वो कोशिश करेंगे, लेकिन लगभग नहीं मिल सकता है। फिलहाल तो आज की ये स्टॉक यही तक है। अगर आप कोई शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंक्वायरी करना हो तो नीचे आए नंबर से आप भैया से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। भैया हर वक्त अवेलेबल है आपके लिए। और फिलहाल वीडियो यही पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।